नैनीताल के तलीताल क्षेत्र से टैक्सी चालक द्वारा धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है, जहां टैक्सी चालक पर पर्यटकों से धोखाधड़ी करने का आरोप है। दरअसल कोलकाता से नैनीताल घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि वो 6 अप्रैल को नैनीताल पहुंचे थे। उन्होंने घूमने के लिए टैक्सी बुक की थी। टैक्सी का किराया एक दिन का 600 रुपये तय हुआ था, जिसके बाद 2400 रुपये में 4 दिन घुमाने की बात हुई। पर्यटकों ने टैक्सी चालक को पूरे पैसे भी दे दिए थे। टैक्सी चालक ने पर्यटकों को 3 दिन घुमाया और 4थे दिन गायब हो गया। जब पर्यटकों ने टैक्सी चालक से संपर्क करने की कोशिश की तो चालक ने आने से और साथ ही पैसे वापस करने से मना कर दिया। इसके बाद पर्यटकों ने तलीताल थाने में टैक्सी चालक के खिलाफ शिकायती पत्र देते हुए कार्यवाही की मांग की। एसओ रोहिताश सिंह सागर ने बताया कि पुलिस द्वारा मुक्तेश्वर निवासी टैक्सी चालक को फोन पर फटकार लगाते हुए पर्यटकों के पैसे वापस मांगे गए, जिसके बाद टैक्सी चालक ने गूगल पे के माध्यम से पर्यटकों के बाकी पैसे वापस कर दिए।